हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके बीच एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और आज फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि प्लीज ये वीडियो आप इनके लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ही इनके बुझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, नोकिया रिपेयर ऑर्डर में एक ऐसे जो कि सिस्टम है, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स इनकी सेटिंग को हम इनेबल कर देंगे या तो बोले इनकी सेव करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इनकी हम जब भी राउटर को रिसेट करेंगे ना, आप तो बोले इनके हमारे राउटर के इनकी कुछ भी इनकी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर से इनके जैसे इनके पहले हमारा सेटिंग था ना, वैसे इनकी सेम कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है बैकअप एंड रीसेट, ठीक है। तो फिर हालांकि फिर वो सेटिंग बहुत ही दोस्त इनके देखे होंगे, बहुत ही दोस्त को फिर मालूम नहीं होगा कि कैसे इनके बोले इनको काम करता है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में आप सबको लाइव प्रेड के लेंगे करके मैं बताऊंगा फिर कैसे काम करता है, आप इनके बुझ पाएंगे, ठीक है। तो चले फिर आगे वीडियो बने रहे और जान जाएंगे। सबसे पहले फिर आप बता दो कि वो उस वक्त इनकी काम करेगा जिस वक्त फ्रेंड हम राउटर को रिसेट कर देते हैं। रिसेट करने के बाद हमारा सेटिंग होता है ना, सभी इनके इधर उधर इनके हो जाता है, ठीक है, न्यू SSID और उसके बाद एडमिन जीपी और उसमें बहुत ही सारे बोलने की सेटिंग हमारा पासवर्ड वासवर्ड होता है ना, वो इनकी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड पासवर्ड फिर से हमें सेट करना पड़ता है, मगर फ्रेंड्स वो बैकअप एंड रिसेट के मदद से हम इनकी अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनकी पहले से इनकी एक्सपोर्ट कर अपने मोबाइल फोन में रख लेंगे ना, तो वहाँ पर फ्रेंड फिर से इनके इनपुट करेंगे तो फ्रेंड फिर से इनके जो इनके पासवर्ड पहले इनके रखे हुए थे तो जो इनकी SSID आप इनेबल करे हुए थे वो सभी इनकी सेटिंग आप आएंगे ऑटोमेटिक से इनकी फिक्स से इनके हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड से इनकी आपको फिर से इनकी वो सभी इनकी जितना भी सेटिंग आप पहले जो कि सिक्योरिटी वाला ऑप्शन इनकी बहुत ही ऑप्शन में जो करे होंगे ना, वो सभी इनकी मिलाना नहीं पड़ेगा, यानी कि बोले कि आपका काम इनकी बहुत ही इनकी हल्का इनके हो जाएगा। और उस बाद इनके आप बहुत ही आसानी तरीके से राउटर में इनकी वो सेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका राउटर का जैसे इनकी पहले इनकी सेटिंग था ना, वो इनकी फिर से इनके आपका बाद में भी बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे जो करते हैं और कहाँ से फ्रेंड्स इनको वो हमें सेटिंग जो कि इनेबल करना होगा और कहाँ से बोलेंगे कि हमें इनपुट करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, टोटल जो कि डिटेल वीडियो में आगे मोबाइल की स्क्रीन पर जो कि बताऊंगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स कि वो रीसेट करेंगे तो ही काम करेगा, तो बोलेंगे आप चाहते हैं कि बोलेंगे सेटिंग एक्सपोर्ट करके रख ले, और रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हमारा कोई भी इनकी सेटिंग है कि इधर उधर हो गया, हमारा नेट इनके फास्ट नहीं चल रहा है, तो बाद में भी फ्रेंड्स बिना रिसेट करे हुआ इनपुट कर देंगे ना, तो फ्रेंड्स फिर से जो कि आपका जैसे पहले वाला था ना वैसे इनके बन जाएगा, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स आगे वीडियो बने रहे, उस वक्त आप इस्तेमाल करेगा जिस वक्त आप रिसेट करते हैं, आप तो बोले ना कि राउटर को फिर से इनके आपका सेटिंग इधर उधर हो गया है और आप चाहते हैं कि फिर से हमारा सेटिंग इनकी वो इनके ऑटोमेटिक से पहले जैसे इनके हो जाए, ठीक है, उस वक्त आप यूज कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स आगे वीडियो बने रहे, प्लीज देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी क्या करिएगा, क्रोम ब्राउजर के इनको ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स के बाद सर्च और टाइप वेब एड्रेस में लिखेंगे उसका आईपी एड्रेस नोकिया वाईफाई राउटर का, चलिए 192.168.1.254, ठीक है फ्रेंड्स 254 लिखेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी मैं चेंज कर दिया हूँ, तो मैं इनकी अपना जो कि इनकी चेंज करा वो रखेंगे, ठीक है। आप चेंज करना नहीं जानते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज होता है, तो इस पर मेरा वीडियो बना है, आइकन पर लगा दूंगा, प्लीज चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले प्लीज ये वीडियो देखिए। चलिए फ्रेंड्स इनकी मैं इनकी अपने न्यू आईपी एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी यूजर नेम और इनकी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यूजर नेम में यहाँ पर एडमिन जीपीएल लिखेंगे और इनकी यहाँ पर पासवर्ड में जो आप पासवर्ड रखेंगे ना वो इनकी यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। डायरेक्ट फ्रेंड से ही लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा राउटर पेज इनको हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारा राउटर पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे साइड में स्क्रॉल करेंगे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड मेंटेनेंस वाला, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे फ्रेंड यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी बहुत ही सारे इनके ऑप्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी ऑप्शन में कुछ नहीं करना है हमें, डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड यहाँ पर देखिए बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। बैकअप एंड रीस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऊपर के साइड में इनके देखिए यहाँ पर 3 इनकी यहाँ पर फाइल इनकी बता रहा है, ठीक है, यानी 3 इनकी लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स इनके तीनों में इनके 3 काम होगा, आपको इनकी यहाँ पर इनके बुझने का जरूरत है, प्लीज इनके अच्छे से बुझिएगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड यहाँ पर बता रहा है सेलेक्ट फाइल, जो कि फ्रेंड्स ये इनपुट करते वक्त जो कि हमें सेलेक्ट फाइल वाला ऑप्शन इनकी काम देगा। सेकेंड में बता रहे हैं इनपुट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप सेलेक्ट करने के बाद इनपुट करेंगे, ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए शुरू शुरू में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट बोलने के बाद फ्रेंड्स इनकी ये जितना भी जो कि हमारा फाइल सेट है ना, जो कि पासपोर्ट क्या है, इनकी जितना भी इनकी सेटिंग इसमें है, ये सभी को फ्रेंड्स इनकी हम मेमोरी में इनकी एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है।
और बाद में फिर रीसेट करेंगे तो आप बोलेंगे हमारे राउटर का कोई सेटिंग बिगड़ गया, हम सोचते हैं कि पहले जैसे मेरा राउटर हो जाए तो फिर से मैं चूज फाइल कर इंपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा पहले जैसा। तो चलिए फिर यानी कि एक्सपोर्ट फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट फाइल वाला, और डायरेक्ट ये मैं जितना भी सेटिंग बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यानी कि आ जाएगा इनकी डाउनलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड एगेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एगेन वाला ऑप्शन पर क्लिक तो देखें फिर से यहाँ पर डाउनलोड देंगी फाइल इनकी बता रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन में जाएंगे तो देखें फिर से हमारा डाउनलोड का इनकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि यहाँ पर बन करेंगे जस्ट ना बता रहा है रेडी हो चुका है। ठीक है, यही फाइल है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि फिर से यहाँ पर बन चुका है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हमारा ये तो इनकी हम सेट कर लिए हैं मगर फिर हम रीसेट करने से पहले ये करना होगा सब, यानी कि बोलेंगे हम रीसेट नहीं करे हुए हैं उसके पहले जो कि ये कर लेंगे, उसके बाद जो कि इनपुट करेंगे ना तो इनके हमारा फाइल जो कि बना होगा ना वो सब इनकी इनपुट हो जाएगा। तो फिर इनपुट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर चूज फाइल वाला सब क्लिक करेंगे, मैंने फिर हमारा सेटिंग जो कि पहले जैसे रखना है वो, और अब फाइल वाला सब क्लिक करेंगे और फाइल वाला सब क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रेंड्स की आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि यहाँ पर बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और फ्रेंड्स यहाँ पर इनपुट वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट इनकी क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इनपुट वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा नेट जो कि हल्का देर के लिए इनकी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वो सेटिंग मिलाएगा उसे इनपुट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर बता रहा है आर इज श्योर रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू ONT, यानी कि बोल रहा है कि आप श्योर करना चाहते हैं तो यानी कि आप करना चाहते हैं तो ओके करिए, नहीं करना चाहते हैं तो इनकी कैंसिल करें। ठीक है, तो हमें करना है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए क्योंकि फ्रेंड्स हमारा सेटिंग ऑलरेडी जो कि पहले जैसा ही मिल जाएगा फिर से, क्योंकि फ्रेंड्स हम चेंज वेंज नहीं करे हुए हैं क्योंकि हम राउटर भी रिसेट नहीं करे हुए हैं, आपको बताने के लिए सब इनकी प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चले फ्रेंड्स आप ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करने देखिए फ्रेंड्स हमारा नेट इनकी थोड़ा देर के लिए यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारा नेट ऑटोमेटिक से इनपुट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लिख रहा है देखिए यहाँ पर नेट भी इनकी हमारा कट गया। ठीक है, नेट कटने के बाद फ्रेंड्स इनके फिर से जो कि नेट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर इनकी बोलेंगे राउटर रिबूट हो जाएगा या हमारा साथी का जो कि नेट इनकी पकड़े हुए है इनके ऐसे करके बोलेंगे इनपुट कर देंगे और थोड़ा देर के बाद इनकी फिर से इनकी लॉगिन करेंगे ना तो फिर हमारा जितना इनकी पहले से सेटिंग बना होगा ना वो सभी जो कि सेटिंग यहाँ पर बताएगा। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो कि वो नेट इनकी ऑफ हो चुका है तो थोड़ा रीस्टार्ट होने में टाइम लगेगा। और चलिए फ्रेंड्स फिर से इनकी मेरा नेट जो कि कनेक्ट कर लिया है जो कि संतोष परवाना यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आ चुका है, डायरेक्ट इनकी फिर से इनके बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से इनकी रिफ्रेश करेंगे, हमारा फिर से जो कि रिफ्रेश हो जाएगा और फिर से यहाँ पर देखिए पहले जो कि जैसा सेटिंग था ना वो इनकी फिर से इनकी वैसा ही इनकी मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इनकी रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखिए फ्रेंड्स फिर से इनकी बोलेंगे यूजर नेम इनकी पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर लॉगिन करेंगे क्योंकि फिर से नेट कटने के बाद फिर से इनकी हमारा ये पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप फिर से इनकी लॉगिन करते हैं सेम वही आईपी एड्रेस से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने में लाइव बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी आईपी एड्रेस आने के बाद यहाँ पर यूजर नेम इनकी पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, जो आपका पासवर्ड होगा ना फिर से वो चेंज नहीं होगा, आप इनकी जो पासवर्ड पहले जो कि दे करें कि लॉगिन करे हुए वही इनकी दे करें आप फिर से इनकी लॉगिन करें तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वही पासवर्ड इनकी फिर से लॉगिन वाला समय डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट से क्लिक करने के बाद देखें फ्रेंड्स हमारा राउटर पेज इनकी ओपन हो जाएगा और फिर जो सेटिंग जो कि पहले वाला था ना वो सेटिंग इनकी इस्तेमाल रहे बोले इनकी नोकिया पे राउटर में इनकी मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फ्रेंड्स वो सेटिंग इनकी मिल जाएगा और हमें फिर से कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर भी जाएंगे वो सभी सेटिंग पहले जो कि आपका था ऐसे करके इनकी मिल जाएगा ऑटोमेटिक से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि फ्रेंड्स बैकअप एंड रीस्टोर का सेटिंग है इनकी बोले इनकी हम कर लेंगे पहले ही तो हमारे राउटर में बोले इनकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर से वो सेटिंग लाकर इनपुट कर देंगे तो हमारा राउटर इनकी पहले जैसा इनकी बोलने की बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा और जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल संतोष परवाना ऑफिशियल पर नए है तो कृपया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि फिर हम इसी तरह न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और वीडियो का लंबा ना करते पिन करना चाहता हूँ, कोई भी सलाह से प्लीज़ कमेंट करें। चलिए इन करते वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।